नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है जीरा आलू की। यहाँ पे हमने जो मसाले वाले जीरा आलू होते हैं वो रेसिपी बनाई है। आप जो जीरा आलू होते हैं उसको दो तरह से बना सकते हैं, एक सिंपल सिर्फ जीरा डाल के हम आलू बनाते हैं वैसे, और एक हम उसको अलग से मसाले में बनाते हैं। तो आज हम आपको वो मसाले वाली रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, यहाँ पे हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। आप यहाँ पे सरसों का या फिर मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल जब गरम हो जाएगा 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे बारीक कटा हुआ। 1 लहसुन की कली डालेंगे बारीक कटी हुई। 2 हरी मिर्च लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, और इन सबको हम मीडियम हीट पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्का सा भूनेंगे खाली। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है और इस तरह से काट के डालेंगे इसको। इसको भी 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पे हम अच्छे से भून लेंगे। आलू को बहुत ज़्यादा गला के ना लें आप। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें हम 1/4 चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच। और यहाँ पे भुने जीरे का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। ये सारे मसाले डाल के हम इसको मसालों को 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पर भून लेंगे। अब मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्च का भी इस्तेमाल करा है, हरी मिर्च का भी और लाल मिर्च पाउडर का भी। तो आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से डालें आप मिर्च को। देखिए 2 मिनट हो चुके भून के। अब मैं इसमें 2 चम्मच पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बड़ी चम्मच से 2 चम्मच, जिससे ये हमारे मसाले जले नहीं और आलू में चारों तरफ अच्छे से कोट हो जाए ये मसाले और अच्छे से पक भी जाए। ये देखिए अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पर पकाऊँगी। अब मैं बिना ढके पका रही हूँ, आप चाहे तो इसको 2 मिनट ढक के भी पका सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाले इसमें चारों तरफ लग गए हैं। आलू भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूँगी खटाई के लिए। उससे पहले मैं गैस बंद कर दूँगी। यहाँ पे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालूँगी। आपके पास अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी बारीक कटा हुआ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप खटाई के लिए इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़। और इसी समय हरा धनिया डालेंगे जिससे इसके अच्छा फ्लेवर आ जाए धनिया का। तो देखिए ये हमारी रेसिपी तैयार है। आपने देखा कितना आसानी से ये रेसिपी बन चुकी है। बहुत अच्छे बनते हैं आलू इसमें, और आलू में जो इसमें एक मसाले भुनने का और आलू भुनने का अच्छा सा जो एक लेयर इसमें बनता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको पूड़ी के साथ खा सकते हैं, आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, उनको भी बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों को टिफ़िन में दें तो फिर इसमें हरी मिर्च ना डालें, क्योंकि उससे बहुत तीखा हो जाता है इसलिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहें, और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।